डू यू नो कि आप अगर एक बिजनेसमैन हो और आप बस प्रॉफिट पे सेल्स करते हो तो भी आप एक्चुअली लॉसेस में ना? ये काफ़ी अटपटी लगी ना बात। चलो एक एग्जांपल लेके बताते हैं। आप एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, उस फैक्ट्री का ना फिक्स्ड कॉस्ट 70,000 रुपीज़ है, मतलब 70,000 का लगभग रेंट जाता है, ठीक है। आपने उस फैक्ट्री में 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जिसका सेलिंग प्राइस आपने 20 रुपीज़ कोट किया, और वेरिएबल कॉस्ट लगभग 19.5 रुपीज़ था, ठीक है। तो भी आप बोलोगे मैडम तो भाई 0.5 का तो प्रॉफिट हो गया ना, यही तो गलत थिंकिंग है आपकी। देखो 1,00,000 यूनिट्स को 20 रुपीज़ पर बेचने पर आपको मिलते हैं 20,00,000। 19.5 रुपीज़ पे 1,00,000 यूनिट का अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया 19,50,000, आपका प्रॉफिट बचता है 50,000। तो सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट कम करने के बाद कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो क्या अब आपको फिक्स कॉस्ट नहीं कम करना है? करना है ना। फिक्स कॉस्ट है आपका 70,000 और ये लो इधर गड़बड़ी हो गई, 20,000 के लॉस में अभी भी आपका ओवरऑल बिजनेस है। तभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बंदा अगर सेलिंग प्राइस कोट करता है तो आप मान के चलो कि यार ये तो कॉस्ट से ऊपर बेच रहा है तो पक्का पक्का है तो प्रॉफिट में। डिपेंड करता है आपके वेरिएबल कॉस्ट पे, और जो आपका कंट्रीब्यूशन निकल रहा है क्या वो इस फिक्स कॉस्ट को पूरी तरीके से कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 1,00,000 नहीं बल्कि कम से कम 2,00,000 यूनिट मैंने बनाई। अब देखते हैं जाते हैं, तो 20 × 2,00,000 आपका इस पर 40,00,000 रुपीज़ का सेल हुआ, और अगर आपने 2,00,000 यूनिट्स को बनाया तो वेरिएबल कॉस्ट आपका आएगा 39,00,000, यानी कि अब आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बचता है 1,00,000 रुपये, और इसमें से आपने फिक्स कॉस्ट फाइनली रेंट का 70,000 रिड्यूस किया तो अब EBIT प्रॉफिट बचा आपका 30,000 रुपीज़। तो बेसिकली आप मान के चलो कि हर एक शॉप में या हर एक बिजनेस में एक ऐसा सेल्स का पॉइंट आता है जिसे आप ब्रेक इवन सेल्स कहते हैं। प्लीज़ फोकस, दिस कंसेप्ट इज इक्वली रेलिवेंट व्हेन इट कम्स टू कॉस्टिंग एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट एज वेल एज इफ यू आर डीलिंग विद सच सब्जेक्ट्स इन एनी अदर एरिया ऑल्सो, दिस कंसेप्ट इज यूनिवर्सल। मैंने क्या बोला, एक बिजनेसमैन ना अपनी ज़िंदगी में अपने बिजनेस में जब सेल्स करना स्टार्ट करता है तो एक पॉइंट तक ये सेल्स से जितना भी प्रॉफिट आता है ना ओवरऑल लॉसेस में रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कमाया तो 50,000 था, 50,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि आपका टोटल आप लॉस में चले गए, 20,000 के लॉस में चले गए। फिर एक ऐसा ब्रेक इवन सेल्स का पॉइंट आता है जहाँ पे आप जितना सेल्स करते हो उसमें से जितना वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो कंट्रीब्यूशन आता है ना दैट इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा EBIT या प्रॉफिट के नाम पर। बट कम से कम आपको ये खुशी है कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में तो पहुँचे, मतलब आज आपकी फैक्ट्री में वो दिन आया है जहाँ पे आपने अपने वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं बल्कि आपने अपना फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर कर लिया है और आपको कोई लॉस नहीं, मतलब आपको खुद आप कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाए लेकिन आपको आपकी काम आपका बिजनेस कुछ भी लॉस में नहीं, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। और फाइनली ये ब्रेक इवन सेल्स क्रॉस होने के बाद अब आप जितनी भी सेल्स कर रहे हो उस सेल्स में तो आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद कंट्रीब्यूशन आता है उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद भी आपका EBIT बचेगा और जो कि पॉजिटिव है। और ये इफेक्ट हमें तब देखने को मिलता है जब हम अपना आउटपुट इंक्रीज करते जाते हैं। हमने पहले इस वाले केस में 1,00,000 यूनिट्स बेची थी, इस वाले केस में हमने 2,00,000 यूनिट बेची, इसमें 1,00,000 यूनिट्स बेची थी, इसमें हमने 2,00,000 की यूनिट्स बेची। यानी कि आप इतना समझ सकते हो जब जब आप अपना आउटपुट इंक्रीज करते हैं, या सिंपल सी बात है जब जब आप अपनी सेलिंग क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं आप प्रॉफिट की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स सिंपली वो सेल है जो आप ब्रेक इवन के बाद करते हो, ब्रेक इवन तक तो सेल्स सारी लॉस में थी जितनी भी आपने की,
लेकिन ब्रेक इवन के बाद आप जितनी भी सेल्स करने जा रहे हो ना, वो पूरा वेरिएबल कॉस्ट, आपका फिक्स कॉस्ट सब कुछ रिकवर करने के बाद ही आपकी जेब में पैसा डाल देगा, तो आपकी जेब में पैसा बचेगा इवन आफ्टर पेइंग फॉर योर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. एंड दिस इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. यानी कि सेल्स क्वान्टिटी, वंस यू क्रॉस ब्रेक इवन सेल्स क्वान्टिटी, तो आफ्टर अचीविंग द ब्रेक इवन सेल्स क्वान्टिटी, द नेक्स्ट अपकमिंग बिग क्वान्टिटीज दैट यू आर एक्चुअली गोना सेल इन द मार्केट will help you not only recover your variable cost but as well as your fixed cost, and this will result in net profits or operating profits. तो हमेशा याद रखना, जब भी द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज, लेट मी राइट इट वेरी क्लियरली, जब भी वॉल्यूम या सेल्स क्वान्टिटी या आउटपुट, दीज आर थ्री सिनोनिमस टर्म्स, वेन एवर दीज इंक्रीजेस Irrespective of whether your selling price is increasing or not. मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में 1 लाख से 2 लाख यूनिट बेची, मैंने अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं किया, मैंने अपना वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना आउटपुट इंक्रीज किया. और मैं क्या देखती हूँ कि मैं ब्रेक इवन सेल्स के बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ गई हूँ, जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इंक्रीज हो गया है और मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया. तो बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको ऐसा कुछ कमेंट लिखने को आए कि वेन एवर द सेल्स क्वान्टिटी और द मार्जिन ऑफ सेफ्टी और आउटपुट इंक्रीजेस, द प्रॉफिट एज वेल एज MOS इंक्रीजेस एंड द रिस्क डिक्रीजेस. अब रिस्क आपका फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है, जो हम DFL के केस में पढ़ते हैं, या फिर आपका बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क भी हो सकता है, जो हम DOL के केस में पढ़ते हैं. और जब DOFL और DOL जैसे दोनों रिस्क कम हो जाते हैं, तो आपका DCL का रिस्क भी